जब दीदी शादी आदि होती तो हमें नहीं कोई बुलाता है, ऐसे नहीं बुलाते कि बाबा कौन कुछ करने ला के क्या करेगी वहाँ जाकर, तो नहीं बुलाते हैं। मीटिंग में जाती रहती हैं ऐसे मीटिंग से, फिर दीदी वहाँ सम्मान सम्मान मिलता है, वहाँ से फिर मिलता है, तो हम अब कुछ ही आदमी बुलाने भी लगी हैं। पहले क्या होता था कि गांव में विकलांग जो महिलाएं हैं कोई भी हो तो उसको उसके जैसे अगर कोई भी अंधा हो या लंगड़ा लूला कुछ भी हो तो लोग कहते थे कि देखो वो अंधा जा रहा है, वो लंगड़ी जा रही है, तो ऐसे उसे लोग उसकी उसकी विकलांगता से उसे जानते थे और उनका कोई सम्मान नहीं करता था। लेकिन जब से हम इस कार्यक्रम से जुड़े तो हमने इस चीज़ को जाना कि उनका भी सम्मान है हमारी तरह रहने का, और हम उनको अब उनकी मतलब उनकी विकलांगता से नहीं बल्कि उनके नाम से पुकारते हैं, उनको सम्मान देते हैं। जब से हम इस प्रोग्राम में जुड़े हैं तब से हमें इतनी समझ आ गई है कि अपने आप से शादी करनी है लोग कब करनी है, पहले हमें पढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है, फिर हमें थोड़ा कुछ बन के उसके बाद शादी करनी है अपनी मर्जी से, और ये भी देखना है कि वो लड़का अच्छा है बुरा है सब जानकारी जुटा के हमें शादी करनी है, ऐसे ही नहीं कर लेनी है। रमेश भैया, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को आगे पढ़ाएं, अरे पढ़ेगी लिखेगी तो नाम करेगी। गांव की औरतें जागरूक हो चुकी है, काफ़ी जानकारी है उन्हें हर चीज़ की, मतलब ये हिंसा घरेलू हिंसा और ये मानसिक हिंसा ये सब काफ़ी लोग जानते हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हम लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, इस गांव की औरतें संस्था से जुड़ी हुई है काफ़ी। समूह से जुड़ने के बाद नहीं लगता कि मतलब हम एक बहू हैं, और बाहर घूमने के लिए भी मिलता है, और ये लगता है कि जैसे कि एक लड़की है कहीं भी घूम सकती है कुछ कर सकती है या कहीं जा सकती है, कोई रोक टोक भी नहीं रहती है, और खेलने कूदने को भी मिलता है और अच्छा बोलने को भी मिलता है। पहले हम दिल्ली में रहते थे, जब दिल्ली से आने के बाद यहाँ छोटी सी शुरुआत की तो लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें बोली कि बैग टांग के जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, वो तो ऐसी है वैसी है, अभी भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन अब उतना नहीं बोलते जितना शुरुआत में बोलते थे, लेकिन चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई। लेकिन जब से दीदी हमके साथ जुड़े फिर हमने किसी चीज़ की फिक्र नहीं की, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चलता गया कि चलो हमारे भी कुछ अपने अधिकार हैं, हम जब किसी के साथ गलत करते नहीं हैं तो हम गलत किसी को क्यों सहें। किसी ने कुछ कह दिया कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना तो नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, इतने टाइम आना है तो आना है, मतलब जो अनुशासन रहता था उसको बिल्कुल वो उसको फॉलो करते थे। अब जब से मतलब इस संस्था से जुड़े हैं और जब से दीदी लोग आती हैं समझाती हैं कि अपने अपने अधिकार समझाती हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, आना जाना बाहर, अपने खुद काम कराना, अब हम मतलब अपने खुद काम कराते हैं सब, अकेले बाहर भी चले जाते हैं, जितने टाइम भी आते हैं हमारे घर वाले भी सहयोग करते हैं। जीन्स और टी शर्ट तो लड़कियाँ लड़कों ही पहन सकते हैं, लड़कियाँ तो पहन ही नहीं सकती, पर हम लोग की अभी ये संस्था से जुड़कर हम लोग के गांव में मैम लोग आती हैं, वो लोग काफ़ी जागरूकता फैलाती हैं जिससे कि हम लोग की लड़कियाँ और भी औरतें काफ़ी जागरूक हुई हैं, और मतलब कि ये भी माना जाता था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घर का काम करें वही उनको आगे के काम में आएगा, ससुराल जाके वही संस्कारी बहू कहलाएंगी, यही सब माना जाता था। पर अब तो काफ़ी जागरूकता, अब लड़कियाँ पढ़ती भी हैं और हम लोग के स्कूल में 8 तक स्कूल है, पर अब वो बाहर भी जाती हैं। हम इस संस्था से जुड़ करके हमने ये बदलाव पाया कि हमने अपने घर वालों को बताया कि मुझे आगे पढ़ाओ, क्योंकि मेरे घर में ही यही हो रहा था कि कक्षा 7 में पढ़ रही थी मैं, तो मेरे घर में ये था कि वो लोग बोले थे शादी करो, मैंने कहा नहीं मैं शादी अभी नहीं करूँगी, मैं अगर कुछ बनूंगी तब मैं शादी करूंगी, आगे बढ़ूंगी तब मैं शादी करूंगी, तो मेरे घर वालों ने समझ कर मुझे समझा और मुझे बीए की पढ़ाई चल रही है, अब मुझे पढ़ा रहे हैं और मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे पहले परिस्थिति थी लोगों की कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हिंसा बहुत होती थी, लेकिन जब से पहले से अभी बहुत बदलाव
आया है। जो आपने जो नाटक के बारे में बताया है, इसमें बहुत अच्छी जानकारी सभी लोगों को समझ में आई है और सभी लोग तैयार हैं कि जैसा पहले होता रहा वैसा अब नहीं होगा। ताकि हम सब की यही कोशिश है कि महिलाएं आए, जुड़े, विकास की मुख्य धारा में सामने आए और उनके ऊपर होने वाली हिंसा, गैर बराबरी, ताने देना, कई तरह से उनको दबाया जाता है और एक ऐसा माहौल बने जहां महिलाएं सम्मानपूर्वक अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकें।